रहे हैं उस मकान में, आप घटनास्थल पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, यही वो रूम है जहाँ पे ये घटना हुई है। अब देखिए इस रूम के स्थिति क्या है, इसी मकान में हुई है उधर, और ये इस पर भी असर पड़ा है। देखिए कैसे असर पड़ा है यहाँ पे इस मकान में पूरे, मतलब स्थिति क्या है देखिए आप नीचे से, क्या आलम है, दरवाजा वरवाजा सब फट चुका है, हैं? जहाँ पे बम ब्लास्ट हुई है वहाँ पे हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खिड़की और कैसे कैसे मकान हैं यहाँ पे, आप देखिए क्या कुछ बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत ही भयावह स्थिति है यहाँ का देखने के बाद से नज़ारा आप देखेंगे। आप लोग कितने बजे, 8 बजे बम ब्लास्ट हुआ है, ये है रूम की स्थिति आप देखिए। चलिए जरा उधर चलते हैं, हम लोग चल के देखते हैं, ये नज़ारा है आप देखिए, स्पॉट पे हम पहुँचे हुए हैं, ये आलम है देखिए क्या। सर कुछ पता चला है क्या, कुछ क्या मामला, मतलब बम था या गैस था क्या था? गैस अभी तक है, गैस लग रहा अभी तक, जैसा कि अभी देख रहे हैं जांच अधिकारी जो हैं बता रहे हैं कि यहाँ पे गैस का मामला हो सकता है कि गैस ही है। अब जांच टीम के बाद क्या सर, यहाँ ATS आने वाली है अभी क्या? चलिए अभी टीका हुआ बता सकते हैं, नहीं यहाँ यहाँ आप आए होंगे तो यहाँ के लोगों से तो पता चला होगा क्या मामला है, कोई बोल रहा है गैस है, कोई बोल रहा है कि बम है, क्या आखिर में मामला क्या है? मामला ये है कि गैस का सिलेंडर, दो सिलेंडर खाली सिलेंडर है, एक सिलेंडर और भी खाली है, गैस की पाइप लीक थी। सुबह में ऐसा है कि महिला जो जख्मी लोग बताए हैं कि गैस फटा है वहाँ, अवशेष लेकिन गैस का शायद नहीं मिला, ऐसा अवशेष नहीं है, गैस फटे तो क्या लग रहा है मामला? मामला तो एक्सपर्ट चार्ज करके गए हैं वही बता सकते हैं ना, हम क्या बता सकते हैं। आप कब से यहाँ मौजूद हैं? हम तो सुबह से ही मौजूद हैं। इतना देर में तो आप पता कर लिए होंगे जो क्या क्या गैस है या बम क्या क्या है? ना, हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, हम नहीं ना बता सकते हैं। आप सर यहीं के रहने वाले हैं, इसी मोहल्ले के? इसी मोहल्ले के। क्या आपको क्या लगा, क्या पता चला है आपको? नहीं, हमको तो पता चला है कि गैस रिसाव से ही हुआ है, कोई बम वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लोग रह रहे थे उसमें काफ़ी दिन से रह रहे थे, मोहल्ले के ही लोग हैं, गली नंबर 2 के लोग थे जो इसमें रह रहे थे किराएदार के रूप में, इसलिए उनका इस तरह का इमेज नहीं है कि कोई बम बनाने वाला या बम रखने वाला प्रवृत्ति है। एक ड्राइवर है, वैसा कुछ नहीं है, तेज आवाज थी बहुत ज्यादा, कुछ लोग बता रहे थे कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आवाज थी, तो आवाज तो वहाँ तक मैंने उधर तक भी गया, उधर तक स्पॉट पे आप गए हुए थे आज? आज गए गए थे। गैस का टूटा फूटा उसे वहाँ पाए क्या आप? नहीं, गैस के नहीं, गैस का टूटा फूटा है ना, उसे कुछ नहीं, नहीं वो नहीं है, पाइप उसका जो है कि लीकेज है, फटा हुआ है, उसी से जो है कि मैंने ब्लास्ट किया हो, पाइप का फटा उटा सब वहाँ है क्या? आप सर यहीं के हैं? हम भी यहीं के हैं। आप क्या सुन रहे हैं सर, क्या मामला है? जो ये कह रहे हैं वही देख रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, बीच शहर में आप लोग बीच में हैं, एक घर में कुछ होता है तो दूसरे घर में पे भी असर पड़ेगा, और यहाँ सब तो देखिए टूटा तो उनका पीछे वाला को डैमेज किया ना, असर तो पड़े किया पीछे से, असर की बात आप कह रहे हैं तो पिछला दीवार तोड़ के उद्योगी जी को डैमेज किया ना, मतलब गैस सिलेंडर इतना जोर से फट सकता है कि वो सब किया है या बम? वो तो एक्सपर्ट ने बताएंगे जी, आप गए थे एक्सपर्ट पे तो हमारे जाने से, जैसे आप भी गए होंगे देखे होंगे, नहीं जाने दिया है लोग अभी, अभी से जांच चल रही तो हमको बोला गया कि अभी नहीं जा, पूरा कब्जा में लिए, जैसे सर बताए जैसे जो सर हैं कि भाई जांच टीम गई। आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? इसी मोहल्ले के, यहाँ कहाँ को घटना स्थल जो है उसके पीछे वाले पोर्शन में, और ये पीछे वाले पोर्शन का मकान है, और स्थिति ये है कि आप देखिए नीचे से दिखाते चलिए, ब्लास्ट इतना तगड़ा था, ईंटा बालू
सब कुछ बिखर गया है मानो। ये हम पिछले एरिया में हैं, आप देखिएगा ये मकान है सामने जहाँ ये ब्लास्ट हुआ है, आप देखिए। और स्थिति ये है कि बहुत सारे दीवार के बारे में बताया जा रहा है कि कभी भी गिर सकता है, जैसे देखिए वहाँ वो दिखाइए, ये आलम उसी मकान में ब्लास्ट हुई है, नीचे से ऊपर तक खिल गया है वो बात, सारे दीवार टूट चुके हैं, ये स्थिति है, बहुत ही खराब कंडीशन में है सारे अगल बगल के चारों तरफ के मकान। ये विस्फोट इतना तगड़ा है